जय बच्चों, इस समय आप लोग महामना इस चुटके यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के सिक्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर हम 15 को देखने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। सो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, तो देखिए राइट सर्कुलर कोन इसको हम ए बी सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस पॉइंट को अगर हम यम से रिप्रेजेंट कर दें तो ये जो एम है, एम अल्टीट्यूड होगा। अल्टीट्यूड मीन्स हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन को हम एच से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यहाँ हम शो कर दे रहे हैं। ये हाइट जो है स्मॉल एच है। अब देखिए फिर क्या कहा जा रहा है आपसे, सो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा, दैट कैन बी इनस्क्राइब इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल और एज। यानी आपको प्रूफ करना है कि कोन का जो हाइट होगा यह 4/3 के इक्वल होगा, वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। अब देखिए, ये सेंटर अगर ओ है तो ओ ए जो होगा ये रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर। अब अगर हम ओ से सी को ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। अब हम एस्यूम कर लेते हैं लेट रेडियस ऑफ द कोन इज कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये जो ओएम है, इस ओएम की वैल्यू क्या होगी जरा इसको भी देख लें। यहां हम लिखते हैं ओएम इज इक्वल टू, देखे ये पूरी हाइट जो है यच है, पूरी हाइट यच है और यच में से आर को हम माइनस कर देंगे तो ये ओएम निकल जाएगा, ओएम इज इक्वल टू यच माइनस आर। अब हम जो है यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी। तो चले देखते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका इन ट्रेंगल ओ एम सी, ट्रेंगल ओ एम सी, ये देखें ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये हाइपोटेनियस होगा ओ सी, और ये बेस हो जाएगा सी एम या एम सी, और ओ एम जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा एम सी का स्क्वायर। फिर देखें क्या मिलेगा, ओ सी, तो ये ओ सी की वैल्यू आर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम, वैल्यू ऑफ ओ एम एच माइनस आर स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ एम सी कैपिटल आर स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ एच माइनस आर होल स्क्वायर कर देते हैं, तो फिर ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस टू एच आर प्लस आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा हम जो है ये एच स्क्वायर माइनस टू एच आर को लेफ्ट में लाते हैं, माइनस टू एच आर को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा टू एच आर और माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखें, अगर यहाँ से
यच की वैल्यू फाइंड कर लें, तो यच की वैल्यू और या नहीं तो देखें यहां से हम लोग, तो ऐसा करते हैं हम इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब वॉल्यूम फाइंड करना है हम लोगों को, कोण का वॉल्यूम। तो आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ द कोण V इज इक्वल टू 1/3 pi, और इसका रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। और देखें जो चीज़ दिया होता है ना वो कांस्टेंट होता है, स्मॉल r रेडियस ऑफ स्फीयर इज कांस्टेंट। अब देखें क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/3 pi, और r स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं 2hr-h स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पर h। अब देखें अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं V इज इक्वल टू 1/3 pi, और देखें फिर क्या हो जाएगा 2h² r माइनस हो जाएगा एच क्यूब। अब हम करते क्या है कि यच के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखें यच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू क्या मिलती है, ये हो जाएगा dv/dh इक्वल टू 1/3 pi, और देखें r तो कांस्टेंट है तो ये है 2 और h स्क्वायर का हो जाएगा 2h और माइनस एच क्यूब का हो जाएगा 3h². यच की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको dv/dh को 0 के इक्वल करना होगा। देखिए यहाँ पे r छूट गया है, dv/dh को 0 के इक्वल करना होगा। तो अब देखें dv/dh इक्वल टू 0, ये 1/3 pi 2 × 2 = 4hr और -3h². तो इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, ये 1/3 pi 0 के इक्वल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4hr-3h² इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा 4hr इज इक्वल टू 3h², तो h से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4r इज इक्वल टू 3h, यानी h इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3r। तो ये प्रूफ कर रहा था, ये तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि अल्टीट्यूड, इट मीन्स अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 4/3r। अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये dv/dh को हम एक बार रख लेते हैं, ये जो वैल्यू है 1/3 pi, और फिर ये है आपका 4hr-3h². अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा d2v/dh² इक्वल टू 1/3 pi, और देखें h है तो 1 हो जाएगा। अब ये है आपका 4r और माइनस हो जाएगा 6h। अब यहाँ हम करेंगे क्या कि h की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 4/3r, फिर ये हो जाएगा d2v/dh² इक्वल टू 1/3 pi 4r-6, h की वैल्यू 4r/3। फिर देखें क्या मिलेगा, 3 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और फिर देखें d2v/dh² इज इक्वल टू 1/3 pi, और ये हो जाएगा आपका 4r- हो जाएगा 8r। फिर देखें ये वैल्यू क्या होगी, 1/3 pi 4r-8r -4r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4r, यानी d2v/dh² की वैल्यू -4/3 pi r हुई, और ये वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू निगेटिव है। तो जब ये वैल्यू निगेटिव है इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 15 था ये कंप्लीट होता है।
तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।